तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं नीट से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक्स की, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी का, नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज स्टूडेंट्स इसलिए चुना है ये टॉपिक मैंने, क्योंकि आप लोगों से ही मैंने पूछा था कि इस बार आप कौन सा टॉपिक चाहेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने वोट किया। लगभग 60-61% लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के लिए मुझे सजेस्ट किया, इसीलिए आज उसी टॉपिक को मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास को शुरू करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्टूडेंट्स अपने हौसलों को मजबूत रखिए, अपने लक्ष्य पर अड़े रहिए, अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए दिन रात एक कर दो। जिस तरीके से आपके माता पिता आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी उनको आउटपुट दो और दिन रात एक कर दो पढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। बड़ा ईजी प्रोसेस है, बड़ा ईजी टॉपिक है। ठीक है, रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स इन्वायरमेंट टू बॉडी एंड बॉडी टू इन्वायरमेंट, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात काय के बारे में करेंगे, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, द रेस्पिरेशन फेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन के दो फेज होते हैं, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन को दो फेज में कंप्लीट किया जाता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन समझेंगे क्या होता है। तो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। हाईलाइट करके देख रखा है मैंने, लंग्स एंड ब्लड, ध्यान दीजिएगा, लंग्स और ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। डायग्राम से आप देख सकते हो, डायग्राम में बड़ी इजीली देख सकते हो किस तरीके से एल्वोलाई और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वह होता है जिसमें रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड होता है। ब्लड और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस में आ रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। क्लियर हो गया, नीचे आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट टू लंग्स एंड लंग्स टू एनवायरनमेंट एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में एनवायरनमेंट से और लंग्स से CO2 जा रही है एनवायरनमेंट में वापस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि सेकेंड फेज है रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन को दो में बांटा, एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सटर्नल क्या था, लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में, ये क्या है, ब्लड और टिश्यू और सेल लेवल पे एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, गौर करिएगा, लिख लो इसको, ब्लड और टिश्यू लेवल पे हो रहा है। साइड में आपके डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें कैपिलरीज, कैपिलरी से ऑर्गन, यानी दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन दो स्टेप में बेटा कंप्लीट होती है, एक ब्रीथिंग मैकेनिज्म और एक होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे होती है, एक तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में और दूसरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन दोनों फेजेस से ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला जो फेज है हमने देखा ब्रीथिंग, क्या देखा, ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ब्रीथिंग क्या होती है, व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच एयर मूव्स इन और आउट फ्रॉम द लंग्स टू इन्वायरमेंट इज नोन एज ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग एक ऐसी सिंपल प्रोसेस है जिसमें एयर का एंट्री करना लंग्स के अंदर और लंग्स से एक्सहेल करना, ये कहलाता है ब्रीथिंग। आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं, एयर का आना लंग्स में और लंग्स से वापस एयर का, यानी CO2 का बाहर चला जाना, ये प्रोसेस सिंपली क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझेंगे कि मेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है।
आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फिजियोलॉजी का टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपने आज के टॉपिक को स्टूडेंट सब दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके साथ में आप शेयर करिए इसको। वैसे आप मिनी अटेम्प्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से मिनी अटेम्प्ट को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और नए नए टॉपिक्स को या अच्छी अच्छी वीडियोस को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। ठीक है, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है? तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक इंस्पायरेशन में और एक एक्सपायरेशन में। कौन कौन से में? एक इंस्पायरेशन में और एक एक्सपायरेशन में। अब इंस्पायरेशन क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। तो इंस्पायरेशन कह लीजिए या इनहेलेशन कह लीजिए, बेटा ध्यान से सुनना, इंस्पायरेशन कह लो चाहे इनहेलेशन कह लो, एक ही बात है, जिसका अर्थ होता है सिंपली सांस लेना। इसीलिए आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन्वायरमेंट से एयर जाती है लंग्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। ठीक है, और बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी लगती है। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में, एनर्जी क्यों लगती है? तो इसका जवाब है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बेटा यहाँ पर एनर्जी लगती है, और जहाँ एनर्जी लगती है उस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म से पहले अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में एक्टिवनेस होती है, यानी एक्टिव प्रोसेस है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। तो वो कौन कौन सी मसल हैं सामने देखिए, इसमें आपको प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स मैंने आपको बताई हैं और असेसरी इंस्पायरेटरी मसल बताई हैं। प्राइमरी में कौन कौन सी आती हैं? डायफ्राम आता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आती हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। असेसरी में कौन सी आती हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टर्न मसल, पेक्टोरेलिस और ट्रेपेजियस। ये सब मसल बेटा किस में आती हैं? मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन में, यानी इंस्पायरेशन की ये मसल्स हैं, या हम कह सकते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों में इनका रोल होता है। चलिए उसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, चाहे वो डायफ्राम हो, इंटरकोस्टल मसल हो, तो ये सब कैसे वर्क कर रही हैं। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से 70% यानी 70% ऑफ रेस्पिरेशन तो डायफ्राम के ऊपर डिपेंड है, यानी 75% एयर लंग्स के अंदर यदि जा रही है तो वो किसकी वजह से जा रही है? डायफ्राम की वजह से। बाकी बची 22-25 एयर जो बची हुई है, 22-25% जो एयर बची हुई है, उसमें रोल होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है, किसका रोल होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इंटरकोस्टल मसल क्या है? इंटरकोस्टल मतलब ऐसी मसल्स जो दो रिब्स के बीच में होती हैं। बेटा 11 पेयर होते हैं ये मसल्स, कितनी होती हैं? 11 पेयर में होती हैं, और ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? दो रिब्स के बीच में, जो हमारा रिब केज है उसमें रिब्स लगी हुई हैं लगातार, 12 पेयर रिब्स होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, तो उन पेयर्स के बीच में 11 पेयर ये मसल्स पाई जाती हैं। अब बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की, यानी इंस्पायरेशन में क्या क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। डायफ्राम की मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि ये फ्रेनिक नर्व के द्वारा सप्लाई की जाती है। किससे सप्लाई होती है बेटा? फ्रेनिक नर्व के द्वारा, लिख लीजिए उसको। और एक चीज ध्यान रखना कि डायफ्राम 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक अपने साइज को बढ़ा सकता और घटा सकता है। कैसे? जब हम सांस लेते हैं, यानी इंस्पायरेशन की जब प्रोसेस होती है, नॉर्मल इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, तो लगभग 1 सेंटीमीटर डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे मूव करता है। बट जब हम डीप रेस्पिरेशन करते हैं तो लगभग 10 सेंटीमीटर तक डीप ब्रीथिंग के टाइम पे डायफ्राम नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब आता है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमें क्लियर हो गया, सबसे पहले क्या होगा इनहेलेशन के टाइम पे या इंस्पायरेशन के टाइम पे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम खुद एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉज इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी। बेटा मैंने आपको बताया कि जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, किधर करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे लंग्स का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, थर्ड स्टेप, इट रिजल्ट द नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। भाई डायफ्राम नीचे गया, लंग्स ने अपने साइज को इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ, लंग्स का साइज इंक्रीज हो गया, तो लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, क्या हुआ, लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, जिसकी वजह से एयर अंदर चली जाएगी। अब वो कितना प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर माना गया है 760, कितना माना गया है 760 mmHg, ठीक है। अब हमारे लंग्स के अंदर कितना प्रेशर हो गया, 758 यानी 758 mmHg, यानी लगभग 2% यार सॉरी लगभग 2 mmHg प्रेशर डाउन हो जाता है इन्वायरमेंट से। और आप जानते हैं, आपने फिजिक्स पढ़ रखी होगी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हमेशा कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो 2 mmHg प्रेशर डाउन हो गया लंग्स के अंदर इन्वायरमेंट से, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट की पूरी एयर यानी इन्वायरमेंट की जो एयर है, ऑक्सीजन है 21% और अदर गैसेस सब लंग्स के अंदर भरने लगेंगी, ठीक है। तो इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ही, लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेप है, इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ही एयर एंटर हो जाएगी लंग्स के अंदर। बेटा ये प्रोसेस थी इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन समझ गए, इंस्पायरेशन में सांस लेना होता है, जिसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। डायफ्राम, जैसे ही हमने सांस ली, डायफ्राम नीचे की तरफ उसने मूव किया, डायफ्राम नीचे की तरफ गति की, जिससे प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण ही एयर अंदर गई, ठीक है, इन्हेलेशन हो गया। अब क्या होगा, इन्हेलेशन के बाद में इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। देन उसके बाद में क्या होगा, भाई O2 अंदर गई, एल्वोलोई के अंदर गई, एल्वोलोई से मिल गई ये कहाँ, ब्लड में, एल्वोलोई से कहाँ मिलेगी, ब्लड में, ब्लड से फिर अपनी बॉडी में सर्कुलेट होगी और हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू तक वो ऑक्सीजन जाएगी और वहाँ जाके एक्सचेंज होगा, क्या होगा बेटा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में। तो ऑक्सीजन और सॉरी ब्लड और सेल टिश्यू के बीच में जब एक्सचेंज होगा, उसे कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। जब उसके बाद में, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद में, CO2 आएगी ब्लड में, और वह CO2 जो ब्लड में आई है मिलके, वो आएगी एल्वोलोई में, और एल्वोलोई से निकाली जाएगी बाहर, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो अब हम समझने वाले हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। इट इज द प्रोसेस, क्या है इसकी डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए, इट इज द प्रोसेस इन विच एयर मूव्स आउटसाइड द लंग्स, यानी लंग्स से एयर का बाहर मूव कर जाना, एयर का बाहर की तरफ निकल जाना ही क्या कहलाता है बेटा, एक्सपायरेशन कहलाता है, यानी एक्सहेलेशन कहलाता है। और ध्यान रखना, इन्हेलेशन एक्टिव प्रोसेस थी, बट एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्यों है, पैसिव प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, रिलैक्स होती हैं, मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो मसल्स को रिलैक्स होने के लिए कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, इसलिए इसको पैसिव प्रोसेस में रखा गया है, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहला स्टेप है इसमें, व्हेन द इंस्पायरेटरी मसल इज रिलैक्स। भाई हमने इंस्पायरेशन में क्या देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो यहाँ पे उल्टा होगा, यानी ये डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल सब क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो जैसे ही रिलैक्स करेंगी, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल पीछे बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड मूवमेंट करेंगी, इनवर्ड मूवमेंट करेंगी। और डायफ्राम जब गति करेगा, यानी डायफ्राम जब रिलैक्स होगा, तो डायफ्राम किधर की तरफ, ऊपर की तरफ गति करेगा, यानी पहले उसने शिफ्ट किया था अपने आप को एब्डोमिनल की तरफ, अब थोरेसिक की तरफ शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, लंग्स का साइज लंबाई और चौड़ाई में घट जाएगा, मींस लेंथ और ब्रेथ लंग्स की डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, यानी -2 mmHg जो प्रेशर हमें इंस्पायरेशन के टाइम पे मिला था, अब वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब लंग्स का प्रेशर अब इन्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया। जब इन्वायरमेंट से लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो लंग्स के अंदर भरी हुई जितनी भी एयर है, जितनी भी CO2 है,
जो गैसेस हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनी हैं वो सब की सब बाहर आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। तो हमने बेटा समझ लिया कि इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है, ठीक है। अब बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एडल्ट इज 60-20 बीट्स पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति में सांस लेने की जो दर होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जब वो करता है, यानी रेस्पायरेशन की जो दर होती है, लगभग होती है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी एक मिनट में 16 से 20 बार सांस कोई भी एडल्ट हेल्दी व्यक्ति लेता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आपके में लिखा हुआ है, प्लूरल कैविटी प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रीथिंग के समय, यानी सांस लेने और सांस छोड़ते समय, जो प्लूरल कैविटी है वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। अब ये प्लूरल कैविटी क्या है? तो प्लूरल कैविटी एक कैविटी है जो कि प्लूरा के बीच में पाई जाती है। मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा होता है कि लंग्स की आउटर लेयर को बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं आउटर लेयर को? प्लूरा। और प्लूरा होती हैं दो, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच में होता है गैप, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक गैप होता है, एक सैक होता है, उसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी कैसे बनी? पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में। तो जब वो प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूड भरा हुआ था, अच्छा उस प्लूरल कैविटी के अंदर भरा हुआ है फ्लूड, उस फ्लूड का नाम है प्लूरल फ्लूड। क्या नाम है उस फ्लूड का? प्लूरल फ्लूड है उस फ्लूड का नाम। और उस प्लूरल फ्लूड का ये फंक्शन है कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो लंग्स रिकॉल करते हैं। तो एक्सपेंड और रिकॉल की वजह से आपस में घर्षण ना हो, आपस में फ्रिक्शन ना हो पैराइटल और विसरल प्लूरा में, तो उसके लिए ये पैराइटल फ्लूड या प्लूरल कैविटी फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अगला, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम आर द मेन रेस्पिरेटरी मसल। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि विदाउट डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल नहीं होंगी तो थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, लंग्स का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर नहीं बनेगा, तो सांस भी प्रॉपर हम नहीं ले पाएंगे, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी प्रॉपर नहीं होगा। आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं, इंटरकोस्टल मसल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जो कि दो रिब्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरकोस्टल मसल कितनी होती हैं? अगले पॉइंट में बताया है 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन, यानी इंसानों में कितनी प्रेजेंट होती हैं? 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो 12 पेयर रिब्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इन और आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये टाइडल वॉल्यूम पे सवाल कई बार आया है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल अमाउंट में एयर हमने अंदर ली और नॉर्मल अमाउंट में एयर बाहर कर दी, माने इनहेल और एक्सहेल नॉर्मल अमाउंट में किया, यानी हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, विदाउट फोर्स जो सांस हमने अंदर ली और बाहर ली, यानी बाहर छोड़ी, उस क्वांटिटी को, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। कितना होता है? 500 ml, 500 ml, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलोई एंड ब्लड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। याद रखिएगा, एल्वोलोई और ब्लड वेसल्स के बीच में, एल्वोलोई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है ब्लड गैसेस का, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, मीन्स ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ यदि कोई आयन मूव करे, यदि कोई गैस मूव करे, तो ये प्रोसेस कहलाएगी डिफ्यूजन। उसी प्रोसेस के थ्रू ब्लड में और एल्वोलोई में, यानी कैपिलरीज में, एल्वोलोई में, ब्लड और एल्वोलोई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ के उनका जवाब दूँ। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं उन सबका मैं जवाब देता हूँ। एक स्टूडेंट है, मैं पर डे कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, कम्युनिटी पे क्वेश्चंस डालता हूँ, एमसीक्यू डालता हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही। तो एक स्टूडेंट है, प्रतिमा नाम है, बड़ी ही प्यारी स्टूडेंट है, और पर डे बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही टाइम पर और सही जवाब देती है। तो बेटा इसी तरह से आप लोग, सब लोग मेहनत करिए और सब लोग अच्छे से जवाब दीजिए भाई।
जब वो स्टूडेंट जवाब दे रही है तो इसका मतलब वो पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, और मेहनत करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे लेक्चर्स को और अच्छे अच्छे वीडियोस को लगातार आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।